हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यास एकेडमी। व्यास एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस सीरीज में हम लोग लेकर के आए हैं पर्यावरण अध्ययन के यूपी टेट के जितने भी पास ईयर पेपर्स हैं सबका कंप्लीट सॉल्यूशन। ईवीएस का सेक्शन, जितना भी जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसका संपूर्ण हल आप लोगों के बीच में। फर्स्ट पार्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे 2019 से और फिर लास्ट तक जाएंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। तो 2019 में ईवीएस का पेपर कुछ इस तरह से आया था। पहला क्वेश्चन, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो बच्चों, लोकसभा में, मंत्रिमंडल में और विधानसभा के जो भी इलेक्शंस होते हैं या जो भी चुनाव होता है, जो भी सीट्स होती है, उनके लिए कभी आरक्षण नहीं आता है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि ग्राम पंचायत के जब चुनाव आते हैं या पंचायती राज के कोई इलेक्शन होते हैं, जैसे ग्राम प्रधान का इलेक्शन, मुखिया, सरपंच, अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान के नाम से जाना जाता है। इन सब सारे इलेक्शंस में क्या होता है, महिलाओं के लिए आरक्षित सीट की व्यवस्था होती है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं में जब भी सीट का चुनाव आता है तब आरक्षण की व्यवस्था होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 122, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी? तो बच्चों, जो राष्ट्रपति के लिए प्रावधान होते हैं वही एग्जैक्ट प्रावधान आप राज्यपाल के लिए करोगे और ये हो जाएगा 35 ईयर्स। राष्ट्रपति और राज्यपाल के केसेस में सारी चीजें लगभग एक तरह की होती है, इसीलिए जो 35 वर्ष की उम्र कम से कम होनी चाहिए राज्यपाल या राष्ट्रपति की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, अभी इसमें हमको सुमेलित करना है। तो देखें, अगर हम इसमें ध्यान से, तो भारतीय संघ जो होता है, भारतीय संघ का जो नेता होता है वो कौन होता है बच्चों, प्रधानमंत्री होता है। तो जो हमारा पार्ट ए है, स्मॉल ए, ये कैपिटल ए के साथ में मिल जाएगा, छोटा ए बड़ा ए। राज्यों का जो होता है, अगर इनमें से हम देखें तो राज्यों के लिए जो उत्तरदायी है वो कौन है बच्चों, राज्यपाल, यानी कि बी का ये सी हो जाएगा। नगर निगम में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें हम देखते हैं, उससे जो चुनकर के आता है वो कौन होता है, मेयर होता है। तो सी का डी से हो जाएगा चुनाव, कैपिटल डी से। और ग्राम पंचायत का जो होता है वो सरपंच है, जिसको आप ग्राम प्रधान कहते हो, तो डी का क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो ए सी डी बी जिसमें दिया हो वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ए सी डी बी सेकेंड हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा 123 का, सॉरी सेकेंड वाला जो है ये हमारा 123 का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहां हुआ? तो बच्चों, अनुच्छेद 356 को राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रपति शासन वह व्यवस्था है जहां पर जब केंद्र सरकार राज्य सरकार को भंग कर देती है और वहां का कंट्रोल जो है वो राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है, इसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। हमारे संविधान में अनुच्छेद 356 उल्लिखित है। इसके अलावा इसका पहला प्रयोग जो है केरल में किया गया था 31 जुलाई 1959 को। 31 जुलाई को वहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और उसको जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार, केंद्रीय सरकार ने भंग कर दिया था। ये 206 दिनों तक के लिए वहां पर राष्ट्रपति शासन को लगाया गया था। तो केरल 1959 सबसे पहला इसका प्रयोग है। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? बच्चों, जो मनोरंजन कर होता है ये राज्य सरकार लगाती है। एंटरटेनमेंट पे जो होता है टैक्स, ये राज्य सरकार लगाती है। इसीलिए अक्सर आप सुनते होंगे कोई फिल्म होती है रिलीज और हम देखते हैं कि राजस्थान में ये फिल्म टैक्स फ्री कर दी गई है या उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दी गई। इसका मतलब इसका जो कंट्रोल होता है वो राज्य सरकार के हाथ में होता है। वही चुंगी कर, जिसको आप टोल टैक्स के नाम से जानते हो, टोल टैक्स जो होता है वो भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के हाथों में होता है, क्योंकि नेशनल हाईवेज और ये जो NHI है ये भारत सरकार के कंट्रोल में होती है। इसीलिए इसके ऊपर जो लगता है टैक्स, जो चुंगी लगती है वो केंद्र सरकार लगाती है। अब गृह कर, जो आपका हाउस टैक्स होता है, अगर आप किसी नगर में रहते हैं तो वहां का जो हाउस टैक्स है वो आपकी म्यूनिसिपैलिटी जो है, आपका नगर निगम जो है वो लगाता है उस ऊपर टैक्स, और उसको कलेक्ट भी नगर निगम ही करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 125 का थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, पुरवा किस अधिवास में शामिल है? तो बच्चों, पुरवा जो है, जिसको इंग्लिश में हैमलेट कहते हैं, हैमलेट जो है वो छोटे छोटे गांवों को बोलते हैं। जो छोटे गांव हो जिसमें बहुत अधिक जनसंख्या नहीं होती उसको हम पुरवा कहते हैं, और पुरवा जो है वो हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल होता है। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो बच्चों, इसमें से जो ज्वालामुखी पर्वत है वो किलिमंजारो है। अच्छा, किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में पाया जाता है और किलिमंजारो पर्वत जो है ये सुषुप्त ज्वालामुखी वाला पर्वत है। कौन सा बच्चों, सुषुप्त ज्वालामुखी वाला पर्वत है, यानी कि डॉर्मेंट वाला पर्वत है, ठीक है। 128, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। तो एलिफेंटा द्वीप जो है ये मुंबई तट पर पाया जाता है और ये फेमस किस लिए बच्चों, एलिफेंटा की गुफाओं के लिए फेमस है। आपको पता होना चाहिए कि एलिफेंटा की गुफाएं जो है
वो यूनेस्को की धरोहर स्थल में आते हैं, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां पर वर्षा होती है, तो मानसूनी वन जो है वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन उनको कहा जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के नाम से भी जाने जाने वाले मानसूनी वन ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है, 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। 130 कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। तो कार्बी एंगलोंग जो पठार है वो भारत के ही जो प्रायद्वीपीय पठार है उसी का विस्तार है, कार्बी एंगलोंग पठार। ये आपको असम में मिलेगा। कहां पर मिलता है? असम में। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? तो अचल जीव है वो यूप्लेक्टेला है। यूप्लेक्टेला ऐसा जीव है जो अचल होता है, यानी स्थित होता है, मूव नहीं करता है। प्रोटीन अणुओं की इकाई है 132 क्वेश्चन था। प्रोटीन अणुओं की इकाई जो होती है वो अमीनो अम्ल को बोलते हैं। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज स्टार्च है, C6H12O6। वसा अम्ल भी प्रोटीन अणुओं की इकाई नहीं है। अमीनो एसिड जो होते हैं उनको हम प्रोटीन अणुओं की इकाई भी कहते हैं। तो इसका सेकंड सही हो जाएगा 132 का। 133 निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें तारक काय जो होता है बच्चों, ये क्या है? तारक काय अनुपस्थित होता है। बाकी सेल्युलोज, कोशिका भित्ति, रिक्तिकाएं और लवक ये सब पादप कोशिका में भी उपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में तारक काय जो है ये उपस्थित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 134 मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो लीवर है बच्चों, यानी कि यकृत हो जाएगी, इससे बड़ा ग्लैंड हमारी बॉडी में नहीं होता। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो है वो सारस या क्रेन है, सारस क्रेन है। सारस क्रेन को उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी माना गया। इसी के स्थान पर अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु हो जाएगा बारहसिंगा। और इसी के साथ साथ में अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो राजकीय पुष्प जो है वो आपका हो जाएगा पलाश। कौन सा पुष्प है? पलाश। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? रेंडियर पाए जाते हैं टुंड्रा प्रदेशों में जहां पर बर्फबारी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो जो कंपास है ये सूडान के एरियाज में पाए जाते हैं। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है, तो बृहत्तम महाद्वीप आपका कौन सा हो जाएगा? एशिया हो जाएगा बच्चों। जनसंख्या के आधार पर ये बृहत्तम है क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या यहीं पर पाई जाती है। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? मुख्यतः उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में होती है, लेकिन उसके साथ साथ ये उत्तराखंड में भी पाई जाती है। उत्तराखंड के अलावा ये बिहार में भी पाई जाती है, और अगर भारत के बाहर पूछे तो ये नेपाल में भी पाई जाती है। तो ये जनजाति ऐसी है जिसका आंसर यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इसमें 2 व 3 दोनों हो जाएगा, और इसीलिए इसमें हम लोग जो है दोनों पर ही टिक लगाएंगे। ये दोनों हो जाएगा कंट्रोवर्शियल टाइप का, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन बहुत आसानी से उठाया जा सकता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज है, थारू जनजाति के बारे में आपको ये भी पूछ सकता है कि दीपावली को शोक में मनाने वाली जनजाति कौन है? तो दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति जो है ये भी आपके थारू जनजाति ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं 140 क्वेश्चन की ओर। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, और ये सेल के अंतर्गत आता है। सेल जो आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आता है। इसके बारे में और आपसे पूछ सकता है कि कौन सा स्टील संयंत्र है जो रूस सरकार की सहायता से बनाया गया था? तो ये रूस की सरकार की सहायता के साथ में ये इसका निर्माण हुआ था। और अभी हाल ही में अगर इसको हम करंट अफेयर से जोड़े तो सोमा मंडल जो है इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। सेल की प्रथम महिला अध्यक्ष सोमा मंडल जी बनी है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ ये सेल की। इसके अलावा संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, तो बंगाल का आतंक जल कुंभी या एकोर्निया क्रोसिपस को कहा जाता है। अच्छा, इसके बारे में खासियत यह है कि इसको जल कुंभी, इस जल कुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है फिश और जो एक्वेटिक जो जलीय पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ को, उनके विकास को रोकता है, ऑक्सीजन और सनलाइट को आने नहीं देता, उसके बीच में बाधक बन जाता है, और इस प्रकार ये उसको रोकता है। इसीलिए इसको बंगाल का आतंक कहा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन और सूर्य के जो प्रकाश है उसको रोकता है। वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? तो बच्चों वायरस के अजैविक होने का लक्षण ये है कि इसको आप क्रिस्टल के रूप में चेंज करके बहुत लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। इसी से ये शो होता है कि वायरस जो है
वो जैविक होने के साथ साथ अजैविक भी है, इसीलिए वायरस को हम जैविक और अजैविक के बीच की कड़ी मानते हैं, जैविक और अजैविक के बीच की कड़ी मानते हैं। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, तो ऐसा पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, अगर नेचुरली पूछा जाए तो उसमें एथिलीन होता है बच्चों, जिसको यहाँ पर इथाइलीन भी लिखा गया। इथाइलीन ये नेचुरली, ये प्राकृतिक रूप से पकाता है। इसी के अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कृत्रिम रूप से कौन सा पकाता है, तो आप जानते हो कृत्रिम रूप से हम लोग कार्बाइड लगाते हैं जिससे हमको एसिटिलीन मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? एसिटिलीन मिलता है। एसिटिलीन जो है ये कृत्रिम रूप से पकाने के लिए आता है। वहीं अगर जो ऑक्सिन है पौधों की वृद्धि में सहायता करता है, ऑक्सिन से ही आता है आपका ऑक्सीनोमीटर, जिसको जगदीश चंद्र बसु जी ने खोजा था। ऑक्सीनोमीटर भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ऑक्सीनोमीटर किस लिए प्रयोग होता है? ऑक्सीनोमीटर पौधों की वृद्धि को ज्ञात करने के लिए या पौधों की वृद्धि को मापने के लिए प्रयोग होता है, और इसको बनाया था जेसी बोस जी ने, काफी फेमस बॉटनिस्ट थे, जेसी बोस जी ने इसको बनाया था। जिब्रेलिन जो है ये अंकुरण में प्रयोग होता है। और वहीं साइटोकाइनिन जो है ये हेल्प करता है कोशिका विभाजन में, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 144, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है, तो वो हो जाएगा क्लॉस्ट्रिडियम। बच्चों क्षमता राइजोबियम में भी होती है, पर राइजोबियम में क्या है, वो अवायवी यानी कि अनएरोबिक नहीं है। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो कोशिका में सबसे नॉर्मली पाया जाने वाला जो डीएनए है वो होता है बच्चों बीडीएनए। बीडीएनए एक ऐसा है जो कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। आपसे इसमें ये भी पूछ सकता है कि डीएनए की खोज किसने की थी, बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स पूछते हैं, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वाटसन वा क्रिक ने की थी, वाटसन वा क्रिक ने। तो ये हो जाएगी डीएनए की खोजकर्ता। आगे बढ़ते हैं। सन 1853 में भारत की पहली यात्रा ट्रेन चली थी, तो भारत की पहली यात्रा ट्रेन जो है वो बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी। मुंबई से ठाणे के बीच में ये पहली यात्रा ट्रेन सन 1853 में चली थी। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में आयोजित किया जाता है, बिहार में। और इसमें पूछ सकता है किस नदी के किनारे होता है? तो ये गंडक नदी के किनारे होता है। इसके अलावा पशु मेला के लिए पुष्कर भी फेमस है, लेकिन पुष्कर किस लिए फेमस है बच्चों? पुष्कर पशु मेला के साथ साथ ब्रह्मा जी का मंदिर एकमात्र जो है मशहूर मंदिर, वो ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए भी फेमस कौन सा है? पुष्कर फेमस है बच्चों, और ये वहां का हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछता है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, तो वो सोनपुर बिहार में होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट के उसमें हुआ था। इसमें क्या है, मशहूर सेलिब्रिटीज, हमारे जो नेता होते हैं कैबिनेट के, सभी लोगों को इसमें स्थान दिया जा सकता है, बट ये संवैधानिक या संविधान के हिस्से का नहीं है, ये स्वतंत्र है, और ये गवर्नमेंट के लिए एक एडवाइजरी बॉडी यानी सलाहकार बॉडी के रूप में काम करता है। इसके अलावा समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में है? राइट ऑफ इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक, यानी अनुच्छेद 14 से 18 वो समता की बात करता है। इसके अलावा आर्टिकल 25 से 28 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता, सभी को अपने धर्म को फॉलो करने की आजादी है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमको कौन गारंटी कराता है? अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 19 से 22 जो है ये फ्रीडम के लिए आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और इन सब के लिए आता है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा के लिए आता है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार जो है उसके लिए आता है। इसके अलावा आर्टिकल 23 से 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए आता है, किसके लिए आता है बच्चों? शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए आता है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो भारत के संविधान को तो सबसे लचीला और कठोर भी कहा जाता है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान है उसको सबसे लचीला मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिखित नहीं है या अलिखित है, ये लिखित नहीं है, और इसके अलावा ये अनकोडिफाइड है, मतलब इसमें कोई कोडिफाइड नहीं है। इसके अलावा यूके में मोनार्की को मानते हैं, मोनार्की का मतलब राजशाही, राजतंत्र को मानते हैं, इसलिए यहाँ का संविधान क्या है वो अलिखित है, अनरिटन और अनकोडिफाइड है, और इसीलिए यूके, यूनाइटेड किंगडम जो कि चार देशों का समूह है जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और
नॉर्दर्न आयरलैंड यानी उत्तरी आयरलैंड आते हैं, वहां का क्या है सबसे लचीला संविधान मानते हैं, क्योंकि वो अलिखित है, अनरिटेन है। तो बच्चों ये रही 2019 के ईवीएस के पेपर का सॉल्यूशन। इसी के साथ साथ में हम ये पूरी सीरीज आपको लेकर के आएंगे, और एक एक जो जिस भी एग्जाम में अब तक यूपी टेट में ईवीएस का आया है, जो प्राइमरी का पेपर होता है, वो पूरा सॉल्यूशन आपको करवाएंगे, और सबसे अंत में इसका एक मास्टर वीडियो भी आपको देंगे, जहां पर सारे क्वेश्चंस जितने भी वर्ष में आए हो सारे आपको एक स्थान पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में फैलाइए। थैंक यू।